हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करवाया है, साथ ही इसका हमने स्ट्रक्चर बताया है और इसमें हमने टोटल 12 सेंटेंस को सॉल्व करवाया है। इसके रूल की बात करें तो वो भी हमने बताया, तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो विल भी लगेगी और शैल भी लगेगी। तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार हमें विल भी सभी जगह यूज करना है, लेकिन ग्रामेटिकल एरर हो जाती है जब एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे थोड़ा सा आई और बी के साथ शैल भी लगाना पड़ता है। बाकी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रेस्ट पार्ट है तो वो आगे लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर रूल हमने बता दिया है, पहले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा है, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए, सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे। दे मीन्स होता है वे, THEY, दे, ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर विल भी लगाएंगे, विल वी। अब प्ले मीन्स खेलना, ये प्ले होता है, यहाँ पर ing जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्रिकेट, CRICKET, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और शाम को है तो इन द इवनिंग लिखेंगे, EBEN और ING, कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोकू कॉलेज में पढ़ रही होगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले कोकू लिखेंगे, ये है सब्जेक्ट, KU, कुकू, यहाँ पर लगेगा विल, बी पढ़ना, स्टडी भी लिख सकते हैं चाहे तो, रीड लिखिएगा, यहाँ पर रीडिंग लिखते हैं, रीडिंग, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, COLLEGE, कंप्लीट। थर्ड है एग्जांपल, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, हम है तो इसमें बी लिखेंगे, बी हो गया सब्जेक्ट, बी के साथ सेल लगता है, सेल, बी, वॉच, WATCH, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉचिंग। और टीवी, तो यहाँ पर टीवी ऑब्जेक्ट है, टीवी लिख दिया। शाम को है तो यहाँ पर इन, नाइट है रात को, तो इन द नाइट हो जाएगा, इन द नाइट, NIGHT, कंप्लीट। अगला है एग्जाम्पल, वह अपने कपड़े धो रही होगी। वह है, यहाँ पर सी लगेगा, लड़की है इसलिए हम सी लिखेंगे, सी लिख लिया। सी के साथ हमें विल का यूज करना पड़ेगा, विल, वी, वॉश मीन्स धोना, तो यहाँ पर वॉशिंग लिखेंगे, वॉशिंग, हर क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट है, वह सोमवार से सविता से शादी कर रहा होगा। वह मतलब ही, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर विल वी जोड़ेंगे, विल वी लिख लिया। और शादी करना मैरी होता है, तो यहाँ पर मैरिंग, MARRYING होता है, मैरिंग हो जाएगा। सविता से है, SAVITA, सविता, सोमवार को है तो यहाँ पर ऑन मंडे हो जाएगा, ऑन मंडे, MONDAY, कंप्लीट। अगला है, राम कल इस समय खेल रहा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, राम खेल रहा होगा, तो इसमें लिखेंगे राम की पहले, राम, विल बी हो जाएगा, विल बी खेलना, प्ले होता है, ING लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। शाम को है इस समय, तो एट दिस टाइम लिख देंगे पहले, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम लिखा। और कल के लिखेंगे टुमारो, फ्यूचर सेंटेंस में कल के लिखना हो तो टुमारो लिखेंगे, TOMORROW, तो इस तरह से ये 6 एग्जांपल कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट पेज पे 7वां एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर 7वां एग्जांपल लिखा हुआ है, अगले माह मोहन यहाँ रुक रहा होगा। तो यहाँ पर मोहन रुक रहा है, तो इसके सबसे पहले मोहन की लिखेंगे, MOHAN, मोहन,
विल बी, रुकना की स्टे होता है, एस टी ए बाई आई एन जी लगाएंगे तो स्टैंग हो जाएगा, और हियर नेक्स्ट मंथ, अगले माह की होती है नेक्स्ट मंथ, एन ई एक्स टी नेक्स्ट मंथ, एम ओ एन टी एच। कंप्लीट सिक्स वाला है, मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँगा। मैं के लिए आई, आई के साथ सेल, यहाँ पर बिल भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, सेल बी। यात्रा करना की ट्रेवल होता है, ट्रेवलिंग हो जाएगा, टी आर ए बी ई डबल एल आई एन जी ट्रेवलिंग। एट दिस टाइम इस समय है तो एट दिस टाइम हो जाएगा। ये टाइम लिखने के बाद यहाँ पर कल भी जुड़ा है, टाइम एक्सप्रेशन, लास्ट में टुमारो हो जाएगा, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। कंप्लीट। नेक्स्ट है, हम शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे तो हम के लिए वी यूज करेंगे, वी मीन्स होता है हम, यहाँ पर सेल लगा देते हैं, बिल भी लगा सकते हैं, सेल भी, प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एफ फुटबॉल, शाम को है तो यहाँ पर इन द इवनिंग लिखेंगे, ई बी ई एन आई एन जी, तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, वह अपने घर से आ रही होगी, वह के लिए सी, सी लगाते तो यहाँ पर सी हो जाएगा, विल बी, आना की कम होता है, कमिंग हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से है तो हाउस हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल और हैं, वे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे के लिखेंगे दे, विल वी वेटिंग, वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, वेटिंग हो जाएगा, फॉर यू तुम्हारी है तो फॉर यू हो जाएगा, घर पे है तो एट होम, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमारे मित्र शाम को गाड़ी से आ रहे होंगे, हमारे मित्र इतना सब्जेक्ट लिखेंगे, आवर फ्रेंड्स एफ आर आई ई एन टी एस फ्रेंड्स, विल वी आना की कम, कमिंग लिखेंगे, और इन द इवनिंग, और बाय ट्रेन, गाड़ी की होती है ट्रेन। तो इस तरह से हमने टोटल 12 एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।